हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? सो टुडे आई बी शेयरिंग विद यू वन मोर डाइट रेसिपी। दिस इज़ किनवा रोटी सो विद मसाला। सो आप इसके साथ इस रोटी को सब्जी के साथ भी खा सकते हो या फिर ऐसे ही खा सकते हो, अचार के साथ, दही के साथ, किसी के साथ भी अच्छी लगेगी एंड बहुत ही टेस्टी बनती है, जिससे आप अपनी डाइट में इसे कभी भी ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किनवा मसाला रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है काला चना आटा, इसे सत्तू का आटा भी कह सकते हैं, एंड ये है वाइट किनवा। सो किनवा की रोटी कई बहुत प्रकार से बनाई जाती है, मैं इसे ग्राइंड करके पाउडर बना के लूँगी। सो किनवा इज़ वेरी न्यूट्रिशियस, वेरी हाई इन फाइबर, वेरी हाई इन प्रोटीन, ग्लूटेन फ्री है। आप अगर आप ग्लूटेन फ्री डाइट कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। तो इस प्रकार का पाउडर इसका रेडी हो चुका है। दरदरा भी रहेगा तो भी कोई बात नहीं, आटा जब हम गूंदेंगे तो ये हो जाता है आटे में बराबर से मिक्स। एंड सॉरी अबाउट माय मैसी फूड प्रोसेसर, इसमें मैंने पालक का पराठा बनाया था इसीलिए थोड़ा मैसी है। इसी में डाल देंगे हम काला चना आटा यानी सत्तू का आटा। मैंने वन बाउल डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे मसाले। सो सबसे पहले मैं अजवाइन डालूंगी एक चम्मच, फिर है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर एक चम्मच, रेड चिली पाउडर आधा चम्मच डाली है मैंने, चाट मसाला डालेंगे थोड़ा पिंच ऑफ, एंड फिर डाले हल्दी, ये ऑप्शनल है, हेल्थ बेनिफिट ज़्यादा है इसमें इसलिए मैंने बस डाली है। सो ये ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें। फिर डाला है पिंक सॉल्ट, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें कोई भी सॉल्ट, ये पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही हूँ। और फिर इसमें हम आराम से पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, एंड इसका सॉफ्ट डो तैयार करके लेंगे। टोफ हमारा तैयार हो गया है, इसे देंगे रेस्ट एक 20 to 30 मिनट का। आफ्टर 30 मिनट्स अब इसके हम रोटियाँ या पराठे या जो भी आप कह सकते हो इसके तैयार करके लेंगे, इसलिए मैंने छोटा सा पेड़ा लिया है। इसमें मैं नॉर्मल आटा यूज़ कर रही हूँ, गेहूं का आटा लगा के हम एक रोटी बेल लेंगे। सो इस रोटी के साथ मैंने जैसे कहा आप दही ले या फिर अचार ले, अचार के साथ भी ये बहुत अच्छा लगता है। और फिर जैसे हम रोटी सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से दोनों साइड सेक लेंगे। आप इसे तेल लगा सकते हो या घी भी लगा सकते हो। एंड किनवा रोटी इज़ रेडी। मैंने इसके ऊपर घी अप्लाई किया है तो आप जो चाहे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यही है आज की वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली बहुत सारी डाइट की वीडियो, रेगुलर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिले।